देख के चलना चाहिए ना बेटा, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सही नहीं बाबूजी, वो काम इतना रहता है ना, उन्हीं की सोच में थी। हिंदीगढ़ शिवगढ़ भोलेनाथ लोग सुबह आँख खुलने के बाद भगवान का नाम लेते हैं, तुम तो आँख खुलने से पहले ही भगवान का नाम जपने लगे। वैसे इतना डर क्यों रहे थे? भगवान का ही नाम ले रहे थे, शैतान का नहीं। हाँ वो रात को मंदिर के रास्ते वापस आ रहा था ना, तो दियों की जगमगाहट और मंदिर के आरती की आवाज सुनी थी, वही दिमाग में चल रहा था, सोचते सोचते सोया था, तो हो सकता है सपने में वही आ गया। सूर्यास्त के बाद हमारे मंदिर में शिवगण भगवान शिव जी की आरती के लिए खुद प्रकट होते हैं। बहुत कृपा है हमारे गांव में भोलेनाथ और उनके शिवगणों की, नित नए चमत्कार करते हैं भगवान भैरव। अभी एक परिवार से मिलकर आई हूँ जिनके जवान बेटे को लकवे का झटका आया था, आधा शरीर काम नहीं कर रहा था, देसी विदेशी क्या इलाज नहीं करवाया, फिर उन्होंने शंभू बाबा का नाम सुना और इधर आए। 3 महीने में वो लड़का इंसान से घोड़ा होकर दौड़ने लगा। क्या ऐसे चमत्कार सच में होते? हाँ तो सिद्धपुर ऐसे ही सिद्धपुर ना हुआ। यहाँ की धरती पे सचमुच शिवगणों के हाथ की छाया है, इसीलिए तो इतने गजब के चमत्कार होते हैं। अब उठो जल्दी तैयार हो जाओ, बाबूजी ने कहा है मंदिर सिर्फ 1 घंटे के लिए शुद्धिकरण के लिए खुलेगा, चलो। सिद्धिगणों की शक्ति से लकवा मारा आदमी 3 महीने में ठीक हो गया। रात को वो दिए की रोशनी, मंदिर में आरती की आवाजें, कहीं सच में तो कोई शक्ति नहीं? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं, मैं नहीं मानता ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता। यहां की हवा मेरा दिमाग खराब कर रही। मंदिर 1 घंटे के लिए खुलेगा, मुझे आज किसी भी तरह जानना होगा कि इधर भैया ने मंदिर के नक्शे में वो रेड डॉट क्यों बनाया था। ये क्या है बेटा, तुम्हारा स्कूल तो यहाँ से बहुत दूर है, तो फिर ये सब? मम्मा मैं पुराने वाले स्कूल में नहीं जा रही हूँ, न्यू स्कूल में जा रही हूँ। बाहर एक आंटी खड़ी है, मुझे न्यूज़ के लेकर जाएगी, बाय। अरे मिंटी मिंटी मेरी बात सुनो, मिंटी 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 कौन सी आंटी? हेलो कैसी हो मिंटी? ठीक हूँ मिंटी। अंदर चलो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ के स्कूल में जाने की, अच्छे से जानती हूँ यहाँ के लोग स्कूल में क्या सिखाते होंगे। अंधविश्वास का जहर पीने से अच्छा है कि घर पर ही बैठे। चलो अंदर। हम जानते हैं आपके अंदर बहुत गुस्सा और नाराजगी भरा है, लेकिन ये गुस्सा बच्चे की पढ़ाई पर निकालना कहां तक सही है? आपके पति के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सजा आप इस मासूम बच्चे को तो नहीं देना चाहेंगे ना? ना जाने आपको यहाँ कितने दिन और रुकना पड़े, तब तक बच्ची को कम से कम स्कूल तो जाने दीजिए।
और ये मत भूलिए, आप एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी हैं। मिंटी चले, से बाय टू मम्मा। मंदिर सिर्फ एक घंटे के लिए ही खुला है और इस एक घंटे में ही मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा कि भाई ने वो रेड डॉट किस लिए बनाया था, क्या छुपा है वहां। ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति ही पृथ्वी शांति रह शांति रोष धया शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। क्या कर रहे हो? खोजबीन। किस चीज की? कचरे की। वो क्या है ना, मंदिर थोड़ी देर के लिए तो खुलेगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कचरा ढूंढ के साफ सफाई कर लेता हूँ। अभी पूजा में बैठो और पुण्य कमाओ, होम हवन से बढ़कर तो कोई तीर्थ भी नहीं है, साफ सफाई बाद में कर लेना। अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम अपने घर में साफ सफाई किए बिना रह सकती हो? नहीं ना, तो फिर भगवान उस घर में कैसे रहेंगे जिस घर में साफ सफाई ना हो? तो लोगों को हवन करके पुण्य कमाने दो, मैं जरा मंदिर की साफ सफाई करके आता हूँ, ठीक है? कैमरा? इसका मतलब भाई ने वहां कैमरा लगाया था, रेड डॉट को। तो उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई इस कैमरे में कैद होगी, इस मंदिर की भी। क्या कर रहे हो यहाँ? साफ सफाई। इतना ऊपर चढ़ के? जी, मकड़ी जाले ऊपर ही बनाती है ना, तो ऊपर ही साफ करेंगे ना। आजकल मकड़ियों ने बाहर भी जाले बनाना शुरू कर दिया है, जाओ जाकर बाहर साफ करो। जी वहां जाकर भी कर दूंगा, पहले ये साफ कर लेता हूँ। मैंने कहा बाहर जाकर साफ करो, सुना नहीं? चल निकल। जी इस लड़के पे नजर रखना, मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जी सुनिए,
आप शायद घर की तरफ जा रहे हैं। मैं भी घर ही जा रहा था। अगर आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूं। देखिए, मुझे याद है आपने एक बार मुझसे कहा था कि आपकी नजर में यहां सभी गुनेगार हैं। मैं भी उनमें से एक हूं, लेकिन गाड़ी में ना सही, पैदल ही आपको घर तक छोड़ देता हूं। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? भाभी और यहां? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। मैं यहाँ सिर्फ अपने पति की अधूरी लड़ाई लड़ने और उनकी मौत को न्याय दिलाने आई हूँ। और अगर आप चाहें तो मैं आपकी इस लड़ाई में मदद कर सकता हूँ। तो तुम्हें भी यही लगता है कि मेरी लड़ाई सही है, सच कुछ और है? सच तक पहुंचने की कोशिश कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन वाकई में सच क्या है ये शायद मैं भी पूरी तरह से नहीं जानता। मतलब तुम भी ये मंदिर से जुड़ी हुई सब बातों को नहीं मानते, राइट? मेरा वो मतलब नहीं था, आई मीन के ना, तुम सब एक जैसे हो। मंदिर की बात आई नहीं और कवर अप करने पहुंच जाते हो, इसलिए आखिरी बार बोल रही हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ो और ये सब नाटक करना बंद करो। तुम लोग चाहे मेरी बेटी का एडमिशन करवा लो या फिर मेरी मदद करने के बहाने दो, पर मेरे विचार तुम जैसे खूनी लोगों के लिए कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं। इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। भाभी इस गांव में क्या कर रही है? है कौन ये नंदू और क्या करने आया है? बहरूपिया। सही जवाब बहरूपिया। पता है मुझे। पता है तो बता। क्या? वही जो सोचने में डूबी हुई थी। कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो मुझसे बातें छुपाई जा रही हैं? आपको कैसे पता मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ? क्योंकि सही जवाब बहरूपिया नहीं, छलिया है। इतने सिंपल से क्वेश्चन में गलती करो तो मतलब साफ है, मेरी सुपर इंटेलिजेंट बहना का ध्यान कहीं और ही है। और वैसे भी किसी और को पता चले ना चले, तेरे मन की बात मुझसे नहीं छुप सकती। अब बता भाई। मैं वो नंदू के बारे में सोच रही थी। मैंने नंदू को एक पत्थर में कागज लपेटकर इस पी वर्मा की गाड़ी पर फेंकते हुए देखा और उसी कागज के आधार पर पुलिस पुजारी जी को पकड़ कर ले गई। वो कैमरा अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हो सकता है, आज तो उसे निकालने का मौका नहीं मिला, पर कल मंदिर खुलते ही किसी भी तरह मुझे वो कैमरा वहां से निकालना होगा।
अभी आप यहाँ क्या कर रही है? मैंने मना किया था आपको यहाँ आने के लिए। तो क्या करती? रोज तुम्हारे भैया की तस्वीर के सामने दिया जलाकर उनसे माफी मांगती कि सॉरी इंदर, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। भाभी मिंटी, मिंटी पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? जब एक पत्नी अपना फर्ज निभाने के लिए यहाँ आ सकती है तो एक भाई नहीं? भाभी मैं भैया को इंसाफ दिलाने की कोशिश करने आया हूँ। यहाँ उनकी मौत का सच जानने के लिए पिछले कुछ दिनों से यहाँ नंदू बनकर रह रहा हूँ। क्या? हाँ, काल भैरव के उस मंदिर ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया, मिंडी से उसके पापा और आपसे आपका सब कुछ। उसका सच जानकर उन गुनहगारों को जब तक सजा नहीं दिलवा देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब नंदू वो पत्रकार इंद्र का भाई है? भैया को इंसाफ दिलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद भी है। ये तो इंदर की भाभी आप जानती है ना, आप दोनों कितना इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, फिर आप मेरे मना करने के बावजूद यहां क्यों चले आए? कातिलों की बस्ती है, यहां किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम तो हो ना, तो फिर किसी और की क्या जरूरत है? मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी भाभी पे कोई आज नहीं आने दोगे। भाभी, जिद करने का हक सिर्फ तुम्हें ही है। राहुल तुम क्यों नहीं समझ रहे, ये जगह जितनी सेफ मेरे लिए नहीं है उतनी सेफ तुम्हारे लिए भी नहीं है। मैं इंदर को तो खो ही चुकी हूं, अब मेरी जिंदगी में मैं जिसे अपना कह सकूं वो तुम और मिंटी ही तो हो, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती। भाभी मैं जानता हूं आपको मेरी परवाह, लेकिन मैं क्या करूं आप ही बताओ, मैं क्या करूं? भाई ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, सच के रास्ते पर कैसे चलना है, उसका सामना कैसे करना है वो सिखाया, और आज जब उन्हीं की बारी आई तो मैं पीछे हट जाऊं, नहीं कर सकता मैं ये। आप मेरी भाभी से ज्यादा मेरी दोस्त हो, जो लोगों ने आपका सब कुछ छीन लिया उन लोगों को कैसे खुला छोड़ दूं मैं? मिंटी के सर से उसके उसके पापा का साया छीन लिया लोगों ने, उनको मैं ऐसे ही जाने दूं? नहीं कर सकता ये मैं। गांव वालों ने सच जितना भी जमीन के नीचे दबा कर रखा मैं उसे खोद कर निकालूंगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या करने वाले हो? भाभी मुझे कुछ सबूतों की तलाश है, जिस दिन वो मेरे हाथ लग गए ना सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं आपको सब कुछ बता दूं। मिंटी बेटा अपने चाचू से बहुत प्यार करती हो ना, तो मेरी एक बात मानोगी, आज से तुम मुझे राहुल चाचू नहीं नंदू काका कहके बुलाओगी, क्या कहोगी? नंदू काका। वेरी नाइस, चाहे कुछ भी हो जाए किसी के भी सामने मुझे क्या कहके बुलाओगी? नंदू काका। दैट्स माय स्मार्ट गर्ल। राहुल बेटी, ये तो गांव में खबर फैलाने के बिना नहीं मानेगी।